ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे योग, अध्यात्म और एडवेंचर का खूबसूरत संयोग हमें देखने मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब रैव्य ऋषि ने कठोर तपस्या की तो भगवान विष्णु ऋषिकेश के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और इसलिए इस जगह को ऋषिकेश के नाम से जाना जाने लगा। तो चलिए चलते हैं आज के ऋषिकेश की इस यात्रा पे। हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे साथ यहाँ मौजूद है हमारी बड़ी बहन। तो मेरी जर्नी जितनी भी रही है, जो भी रही है, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये कवर ही नहीं हो पाती, शुरू नहीं हो पाती अगर ये नहीं होते तो उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब गए ऋषिकेश तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे। मैंने जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत मिक्स फीलिंग्स हैं, तो आज वो मिक्स फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। ऋषिकेश का एक कंटेक्स्ट बताते हैं। ऋषिकेश की सिर्फ कहानियाँ जो हम सुनते हैं ऋषिकेश, उससे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डीप है। ऋषिकेश सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, वो कोई एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की जगह नहीं है, वो काफ़ी यू नो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी जगह है जहाँ पे योग है। ऑफकोर्स उसे योगा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों है। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी यानी कि योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ का एटमोसफेयर, यहाँ का वातावरण इस योग के लिए और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए काफ़ी सपोर्टिव और अनुकूल है। ऋषिकेश में गंगा आरती कई घाटों पर होती है, जिसमें से त्रिवेणी घाट की गंगा आरती काफ़ी फेमस है। यहाँ भक्त दिया, धूप बत्ती, फूल आदि से माँ गंगा को धन्यवाद देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। एक सीन बहुत अमेजिंग था गंगा आरती के बाद जो हमने एंजॉय किया, इट वाज लाइक गूज बम्स लिटरली गूज बम्स। जिस जोश के साथ वहां पर भजन हो रहे थे और एवरीवन वाज सो इन्वॉल्वड, हर किसी ने पूरी तरह से डांस किया है वहां पर, भजन पे राधे राधे करके डांस किया है। तो वहाँ हर तरह के लोग थे, कई लोग ऐसे थे जो फिजिकली हैंडीकैप थे वहाँ पे, वो लोग भी थे जो नाच रहे थे, लाइक दे आर नॉट एबल टू डांस और वॉक प्रॉपरली बट दे आर यू नो एंजॉइंग देमसेल्व्स इन दैट थिंग। वो भजन में इतने खोए हुए हैं
फिर वहाँ पे वो लोग हैं जहाँ पे एक पूरा ग्रुप आया हुआ है, वो लोग सब डांस कर रहे हैं एक अपने उसमें, वहाँ पे यंग लोग हैं। यंग लोगों को देख के मुझे मतलब काफ़ी और अच्छा लगा कि हमारा जो यूथ है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इंस्टेड ऑफ यू नो डांसिंग ऑन दिस रॉक एंड पॉप सॉन्ग एंड ऑन वेस्टर्न कल्चर। हम वो तो कर ही रहे हैं ऑफकोर्स, वो करने में कोई बुराई नहीं, बट यहाँ भी हैं, हमें हमारे रूट्स पता है, हम अपने रूट से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं एक वो चीज़ भी है। ऋषिकेश में ऐसे कई पुराने आश्रम भी हैं जहां पर दुनिया भर से लोग आध्यात्म और योग का ज्ञान लेने आते हैं। योगियों और ऋषि मुनियों द्वारा इस प्राचीन और आध्यात्मिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया जा रहा है। तो फिर तुम्हें क्या लगा जब हम नीलकंठ महादेव पहुंचे, तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था, माना कि तुम्हें क्या फील हो रहा था एज अ शिवा भक्त, तुम्हें क्या लग रहा था? टू बी ऑनेस्ट, वो एक अच्छी जगह, मतलब वहाँ की कहानी जो है जिस वजह से उसका नाम नीलकंठ महादेव है, वो काफ़ी फैसिनेटिंग है। कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से ऑफकोर्स हमें पता है कि एक अमृत निकला था, एक विष निकला था, विष शिव जी ने पिया था और अपने गले में रखा था, तो वो जिस जगह पे उन्होंने किया था विश को, जगह को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो आपको एक काफ़ी वाइब अच्छी मिलती है, यू नो यू फील, आपको इतना ट्रैवल करके जाना होता है तो आप पहाड़ों के बीच से होते हुए जा रहे होते हो। हमें जाना है 12-13 किलोमीटर थोड़ा कुछ भाई राफ्टिंग का एक्सपीरियंस, चोट अगर मैं बोलूं तो राफ्टिंग का एक्सपीरियंस हम नहीं बोल सकते, लाइक लिटरली पत्थर है, पानी है, उसके ऊपर आपकी राफ्ट है और उस बीच में, उस पानी में मैं हूँ। वो पत्थर और राफ्ट के बीच में आई वॉज लिटरली स्लाइडिंग अगेंस्ट द स्टोन, और वो बहुत मतलब एक तरह से पेनफुल था, बट जब बाहर निकल के वो जो जला है वो बहुत बहुत पेनफुल था। If you are an adventure lover or someone जिसे thrill experiences करना पसंद है, then Rishikesh is your dream place. Believe me, यहाँ पर world की one of the best river rafting और India's highest bungee jumping जैसे experiences आप ले सकते हैं. And even if आपको ये पसंद नहीं है, still I will recommend कि आपको life में एक बार इसे ज़रूर try करना चाहिए. कौन से फॉल्स जाना है? पटना फॉल्स। वो तो पटना में होगा ना। मेरा सवाल एक ये है कि इसके अलावा दूसरा रास्ता है कहाँ भाई? हम जहाँ चल के जा रहे थे वो बहुत सकरा रास्ता था, बहुत ज्यादा जगह भी नहीं थी, बिल्कुल हम लिटरली जंगल के बीच में थे। हमने स्टिल हाइकिंग की और ऊपर जाके भी हमें वो जो चीज़ें देखने मिली, इट्स लाइक ब्यूटिफुल वाटरफॉल, एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे इट्स शावरिंग इट्स वाटर, और स्टिल वो इतना ठंडा पानी, यू कैन एक्चुअली फील कि ओके आई हैव टच्ड द हिमालयाज, आई एम लिटरली ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, और वो हिमालय का पानी मुझे फील हो रहा है। देयर आर सम क्लिप्स, शायद कचड़े की नहीं है, बट हाँ वो पानी कितना प्योर है, वो झरना कितना साफ है, इट्स लाइक मैंने पहली बार वो नीला पानी देखा था।
ट्रांसपेरेंट वाटर, हाँ वो ट्रांसपेरेंट वाटर वहाँ पे, इतना साफ जगह है, इतनी प्यारी जगह है, ठंडा पानी ऐसी गर्मी में भी, लाइक ऐसा लगता है सच में ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है वहाँ पे पानी की बॉटल तैर रही है, तो वो जस्ट मूड ऑफ करने वाली बात है सीरियसली। मतलब हर जगह प्लास्टिक, इतना प्यारा, इतनी ब्यूटीफुल जगह, इतना बड़ा वाटरफॉल, इतनी सुंदर जगह, और वहाँ पड़ी है पानी की बॉटल्स, लेस के पैकेट्स। अब जाहिर सी बात है जब इतने लोग आएंगे एक जगह पे, वहाँ व्यापार की उम्मीदें और पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। बट मैंने ऐसा फील किया ऋषिकेश में कि काफ़ी मंदिरों में डोनेशन के नाम पे, चंदा के नाम पे कई टूरिस्ट को इंसिस्ट किया जाता है। कई टूरिस्ट प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बता करके बस टूरिस्ट को वगैरह को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको इंसिस्ट किया जाता है कि आप डोनेट करें। ऐसी कई चीज़ें मैंने वहाँ पे पर्सनली महसूस करें, और इस वजह से मुझे लगता है कि जहाँ इतने व्यापार है वहाँ पे इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी हो चुका है। तो ये एक पार्ट और है ऋषिकेश का जो मुझे पर्सनली फील हुआ। ट्रैवल फोटोग्राफी करने आया था, पर्सनल फोटोग्राफी करनी पड़ रही है यार। तो कुछ ऐसी है कहानी ऋषिकेश की, जहाँ ज्ञान भी है और रोमांच भी, प्रकृति की शांति भी है और शहर की समृद्धि भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रियली फील कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप सपोर्टिंग।